एके मिश्रा जी के पास भी जाती हूं, उनसे भी उनका वर्जन लेती हूं, खेल पत्रकार हैं। एके मिश्रा जी, आपको क्या लग रहा है इस तरह से? ठीक है, गलती दोनों तरफ से हुई है, एक्शन का रिएक्शन इसको कह सकते हैं, वहां पर जो हुआ वो तो भगवान जानता है या सत्येंद्र मलिक जानते हैं, जगबीर सिंह जी जानते हैं, लेकिन जो वीडियो में दिख रहा है उसमें पहला थप्पड़ जगबीर सिंह जो रेफरी है उनकी तरफ से मारा गया, सत्येंद्र मलिक ने भी थप्पड़ मारा है, गलती दोनों की है, लेकिन कार्रवाई फिर एक पर क्यों? देखिए मैम, खेल की जो आत्मा होती है वो सहिष्णुता होती है, हार और जीत खेल में चलता रहता है। अगर कहीं गलत डिसीजन किसी भी कारण से होता है तो उसके लिए नियम और कानून होते हैं और अपीलेट अथॉरिटी होती है, वहां जाना चाहिए। और आज के समय में यहाँ पे एक पार्टी और है जो फेडरेशन है, एक कोच है, एक खिलाड़ी है और एक फेडरेशन है, ये तीन पार्टियां हैं। इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ कि इनिशिएट नहीं करना चाहिए था, किसने इनिशिएट किया ये अभी पता नहीं है, लेकिन जिसने भी इनिशिएट किया खेल में हिंसक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके खिलाड़ी होने और खेल में भाग लेने का कोई मतलब नहीं रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर खिलाड़ी ने कोई इनिशिएटिव लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कोच है वो भी उसी तरीके से प्रत्युत्तर दे। कोच को या रेफरी को ज्यादा मैच्योर माना जाना चाहिए था, मानते हैं हम लोग, क्योंकि वो उम्र और अनुभव में भी बड़ा होता है, उसको शांत रह करके जो प्रोसेस होता है अपीलेट अथॉरिटी होती है डिसिप्लिनरी एक्शन का, वहां जाना चाहिए। अगर दोनों ने ये हरकतें की है, देखिए आजकल तो हर जगह सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होती है, अगर ये दोनों ने हरकतें की है, नहीं, तो वीडियो है, आपने देखा है क्या एके मिश्रा जी, आपने वो वीडियो देखा है? हम लगातार चला भी रहे हैं वो वीडियो। नहीं, मैं बात यहाँ केवल देखिए, अब वो या तो आप ये बोलिए कि 100% वो वीडियो सही है और कोई दूसरी क्लिपिंग नहीं, उसमें देखिए ऐसा नहीं है, वो वीडियो मॉर्फ वीडियो नहीं है, वो उसमें दोनों पक्ष लिख रहे हैं कि देखिए सत्येंद्र मलिक जाते हैं और जगबीर सिंह के पास में जाके वो कुछ बोलते हैं, उस पर रिएक्शन आता है जगबीर सिंह का, वो थप्पड़ मारते हैं, फिर उसके बाद सत्येंद्र मलिक हाथ छोड़ते हैं, इतना दिख रहा है उस वीडियो में। इसमें एक पक्ष नहीं दिख रहा है, दोनों पक्ष दिख रहे हैं। खेल भावना का नियम ये है, खेल भावना का नियम ये है, अपशब्द कहना, हिंसक होना, जितनी भी पार्टियां इसमें शामिल हैं, चाहे वो रेफरी हो चाहे खिलाड़ी हो, किसी ने भी अपशब्द कहा, प्रोवोक किया और उसके साथ साथ कोई भी हिंसक हुआ, एक आदमी या दोनों आदमी, खेल भावना का इन दोनों लोगों ने अपमान किया है। मैं बहुत सीधे सीधे बोलता हूं, उसके लिए आपको जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। और अगर फेडरेशन ने जल्दबाजी में आकर के कोई डिसीजन लिया हुआ है या फेडरेशन बायस रही है या ड्यू टू सर्टेन रीजन के कारण उसके पास पूरे फैक्ट नहीं आ पाए तो फेडरेशन को जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेना चाहिए। फेडरेशन का काम है न्याय देना, वहां पे फेडरेशन ने न्याय देने में अगर जल्दबाजी की और सारे तथ्यों को नहीं देखा तो फेडरेशन के ऊपर भी गाज गिरनी चाहिए, ये मजाक का विषय नहीं है। और खेल की भावना को अगर इस तरीके से तीन पार्टियां यहाँ इन्वॉल्व है और तीनों ने गलती की है अपने अपने लेवल पे, तो ये तीनों पार्टियों ने खेल की भावना के साथ मजाक किया है। खेल इसलिए नहीं होता है कि जबरदस्ती हारा या जीता जाए, हार और जीत चलती रहे। आप क्रिकेट देखिए, वर्ल्ड कप में और भी कई मैचों में कई बार ऐसे पॉइंट आते हैं जहां पे डिस्प्यूट हो जाता है, लेकिन वो एक प्रॉपर तरीके से उसको सुलझाया गया, ये नहीं कि मारपीट और गाली गलौज होनी शुरू हो गई। तो तीनों पक्षों को देखते हुए अगर तीनों पक्षों की गलती है, तीनों पक्षों के ऊपर समुचित कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कम से कम देखिए खिलाड़ी और कोच वगैरह ये इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पिरिट ऑफ गेम ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसके लिए गेम कराए जाते हैं। अगर किसी भी खेल से उसकी स्प्रिट को हटा दिया जाए, भाईचारा, मेल मिलाप, ये सब सारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण को बढ़ाना, खेल का ये अल्टीमेट इथिकल मोटो होता है, मेडल जीतना, हारना, रुपए पैसे कमाना, कैरियर, ये सेकेंडरी और इंडिविजुअल मोटो हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया भर में जो खेल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उनका इथिकल मोटो और बेसिक प्रिंसिपल ये होता है सौहार्द को बढ़ावा देना। ठीक है, जी थोड़ा है उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। हाँ, एक और साजिश, पक्षपात, ये सब आरोप आप लगा रहे हैं। एके मिश्रा जी, मैं आपसे समझूंगी कि क्या गेम्स में वाकई इनकी जगह होती है राजनीति, पक्षपात, आप ये तो परफॉर्मेंस के ऊपर है ना कि आप अच्छा करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। मैंने इसीलिए पहले बोला कि यहाँ पे खेल का जो इथिकल वैल्यू होता है, जो टारगेट होता है, वो होता है स्प्रिट, स्पोर्ट स्प्रिट होता है, उसको मेंटेन रखना हर पक्ष की सबसे पहला नैतिक कर्तव्य होता है। एक चीज ये हो गई, अब ये विवाद बहुत व्यक्तिगत होता जा रहा है। मैं आपको बताऊं, खिलाड़ी और ज्यूरी, इनके जो है
जो ये लोग बोल रहे हैं उससे लगता है ये बड़ा व्यक्तिगत है। जैसे अभी डिबेट में ये हो रहा था कि ज्यूरी से माफी, इनसे माफी मांग लो जी रेफरी से। रेफरी क्यों माफी मंगवाने पे तुले पड़े हैं? यहाँ पे सवाल ये है कि खेल की स्प्रिट को इथिकल नहीं, 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 एके मिश्रा जी वो माफी इसलिए ना कि अगर सत्येंद्र मलिक के माफी मांगने से जगबीर सिंह फेडरेशन को रिकंसिडर करने को कह दें तो वो एक जीवन बच जाएगा ना, एक खिलाड़ी की पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। आप समझ रहे हैं आजीवन प्रतिबंध उनके ऊपर लगा दिया गया है। एके मिश्रा जी जी देखिए मैं आपको बताऊं ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमें खेल की स्प्रिट को ध्यान में रखना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, गलती खिलाड़ी की भी हो सकती है, रेफरी की भी हो सकती है और फेडरेशन की भी हो सकती है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि खेल नियमों के तहत ये जांच हो। किसी भी खेल में व्यक्तिगत मनोभावों का कोई स्थान नहीं होता है। कोई ये बोले इन्होंने गलत किया, उन्होंने गलत किया, इसलिए मैंने मार दिया, या मेरे कैरियर का ये अंतिम था, या रेफरी बोले कि जी मैं हूं तो मेरे रहते हुए कोई कैसे कर सकता है, ये चीज नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो इथिक्स है उसके हिसाब से तीनों बॉडी की जांच होनी चाहिए, खिलाड़ी की भी, रेफरी की भी, और उसके साथ साथ आप जो है फेडरेशन है उसकी भी जांच होनी चाहिए। हाँ, एके मिश्रा जी, आप खेल पत्रकार हैं, आपने कभी पहले ऐसा वाक्य देखा है कि इस तरह की झड़प होती है कोच के बीच और खिलाड़ी के बीच, फिर इस तरह से बैन लगा दिया जाता है? बहुत रेयर मैंने देखा है कि जहां पे कि मैदान में जो है झड़प हुई हो जो है, लेकिन मोस्टली ये है कि जितने भी होते हैं गेम, इवन गांव में भी जो छोटे छोटे कुश्ती होते हैं वहां पे अगर ऐसा कोई विवाद होता है तो वो हिंसक नहीं होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये होती है कि वहां पे उन चीजों का सलूशन नियम के तहत निकाला जाता है। जो एक ग्रुप होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिसाइडिंग बॉडी होती है, तो क्या वो डिसीजन लेती है। हाँ, कौन तो सही ये और नियम कौन यही गलत कहता है, नियम यही कहता है कि जब दोनों पक्षों की गलती है तो आप पहलवान पर बैन लगा दो, रेफरी पर रेफरी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। देखिए अगर दोनों पक्षों की गलती है तो मैं तो ये बोलूंगा ऐसे रेफरी भी नहीं रहने चाहिए जो कि बायस डिसीजन लेते हैं और खिलाड़ियों का करियर जिसके कारण बर्बाद हो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के कारण। ऐसे खिलाड़ी भी नहीं होने चाहिए जो कि हिंसक होता है सिर्फ ये सोच करके कि हाँ जी मैं हार गया या मैं जीत गया। तो यहाँ पे तो दोनों लोगों के ऊपर बैन लगना चाहिए, रेफरी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ तो उन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, नियम तो यही कहता है ना, जगबीर सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर आपको जांच बनानी है तो फिर दोनों को पहले बर्खास्त करिए, उसके बाद जांच में जो सही निकले। यस यस यस, सारी सारे लोगों को हटा करके जांच। नहीं तो फिर तो फेडरेशन पे सवाल उठते हैं कि फेडरेशन ने ये पक्षपात किया है साथ। मैंने तो उठाया है नहीं, मैंने तो फेडरेशन पे भी सवाल, मैंने तीन बॉडी में शुरू से ही, मैं अकेला हूँ पूरे डिबेट में बोलने के लिए कि तीन पक्ष है, फेडरेशन को भी हम अलग नहीं कर सकते हैं। फेडरेशन जांच होनी चाहिए सर। मैंने फेडरेशन को क्यों छोड़ देंगे? फेडरेशन की ये जिम्मेदारी है कि अगर कहीं विवाद हो रहा है तो वो निष्पक्ष न्याय दे। अगर फेडरेशन फेलियर है इस चीज में तो या तो फेडरेशन जो है उसको समझ नहीं है कि कैसे जो है डिसीजन लिए जाते हैं, नियम कानून क्या है, या फेडरेशन भी बायस्ड है। तो फेडरेशन की बॉडी को भी हटाया जाए, उन लोगों को हटाया जाए जो